हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू जीआरएस टेक्निकल। तो कैसे हो आप सब? आज इस वीडियो में आप लोगों को रीजनिंग सॉल्व करने का एक ट्रिक बताने वाली हूँ। तो आज के इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को रीजनिंग सॉल्व करने का एक तरीका बताने वाली हूँ। स्पेशली ये जो रीजनिंग है वो न्यूमेरिकल रीजनिंग या फिर अल्फ़ाबेट रीजनिंग सॉल्व करने के लिए आपके बेहद काम आने वाली है। सो यहाँ पे हम सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स का नाम लिख देंगे, ठीक है? जितना भी अल्फ़ाबेट्स होता है वो हम लिख देंगे। तो टोटल इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ठीक है, जिसमें से कि 5 वोवल्स होते हैं। ये सारी बातें आपको जानना बेहद ज़रूरी है। 26 अल्फ़ाबेट होता है और 5 वोवल होता है। और कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स वैसे नंबर होते हैं जैसे कि बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, एफ हो गया। ये सारे जो नंबर है वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। यानी कि टोटल जो 21 यहाँ पे इंग्लिश वोवल में कॉन्सोनेंट्स होते हैं, ठीक है। तो इतना आप लोगों को पहले जानना ज़रूरी है। कितने वोवल होते हैं? 5 वोवल होते हैं। कितना अल्फ़ाबेट होते हैं? 26 अल्फ़ाबेट होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। अब देखिए, आप लोगों से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि आपको लिखना है सबसे पहले, अगर यहाँ पे वर्ड मिसिंग है एम, तो यहाँ पे जैसे कि कोई नंबर दे देगा, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है ए, फिर नंबर दे दिया गया है सी, फिर दे दिया गया है 6। तो यहाँ पे 6 आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा लेटर होगा। तो आप लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम लोगों को इंग्लिश का अल्फ़ाबेट लिखना पड़ेगा, उसके बाद फिर नंबर ढूंढना पड़ेगा। उसी तरीके से एम दे देगा, एन दे देगा, तो उसी तरीके से ए का जो नंबर होता है वो होता है 1। आपको बार बार लिखना ना पड़े इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ, क्योंकि एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं और 60 मिनट में 60 क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। और स्पेशली अगर ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपका हो रहा है, स्पेशली इंट्रेंस एग्जामिनेशन का, तो उसमें काफ़ी प्रॉब्लम होता है लोगों को। इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ए का जो है वो आ जाएगा 1, बी का 2, 3 डेटा पे, सी हो जाएगा डी चौथे पे, ई 5वें पे, एफ 6 नंबर, जी 7 नंबर, एच 8, आई जो है वो 9वें नंबर पर आता है, जे जो है 10वें नंबर पर, और के जो है 11, एल 12 पे, एम 13 पे, एन 14 पे, ओ 15 पे, पी 16 पे, क्यू जो है वो 17 पे, आर 18 पे, एस 19 पे, टी 20 पे, ठीक है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, टी 20 मैच होता है तो टी 20 नंबर पे आएगा, यू 21, वी 22, डब्ल्यू 23, एक्स 24, वाई 25 और जेड 26। अब यहाँ पे आपसे पूछा भी जा सकता है कि ये वोवेल होता क्या है। तो जो वोवेल है ना, देखिए ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 वोवेल होते हैं, ठीक है। ए वोवेल होता है, ई वोवेल होता है, आई वोवेल होता है, ओ वोवेल होता है और यू वोवेल होता है। तो कभी कभी कन्फ्यूजन में आप लोग ए को कॉन्सोनेंट मत कर दीजिएगा, ए वोवेल होता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।